हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे जो करता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब होता है जो किया जाता है, जैसे हंसना खेलना, जिसमें कुछ एक्शन हो वो वर्ब होता है। जैसे मैं सिंपल सेंटेंस के साथ बताती हूँ इसे, जैसे वह खेलती है, ठीक है। वह का इंग्लिश होता है सी। सी होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है, और ही आता है बॉयज के लिए। तो वह खेलता अगर होता तो ही होता, और वह है खेलती है तो लड़की है, तो वो गर्ल है तो वो सी, ठीक है। तो सी प्लेस ओनली सी प्लेस, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है। जैसे वो गेंद खेलती है, वो क्रिकेट खेलती है, तब यहाँ पर क्रिकेट आता, बॉल आता, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता। पर यहाँ तो वो है नहीं ऑब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि वर्ब के साथ हमें यहाँ ध्यान रखना है एस या ई एस का, ठीक है। अब एस या ई एस लगता है सिंगुलर नाउन के साथ ही, ठीक है। जैसे वह, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, ही ही, ठीक है, सी, इट और नेम, कोई भी नाम रहे तो उसके साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। ओके, ये केवल एस या ई एस जो है वो हमारा सिंगुलर नाउन के साथ ही लगेगा, और किसके साथ नहीं लगेगा, तो प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगे। मैं बता दूं आपको, तो फिर आई वी यू और दे के साथ एस या ई एस का यूज नहीं होगा, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्म है वर्ब का वही रहेगा, जैसे प्ले है तो प्ले ही रहेगा। जैसे अगर मैं लिखूं, मैं खेलती हूँ, ठीक है, ओनली आई प्ले, ठीक है, इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। अब आप ये भी जानना चाहोगे कि कहाँ हम ई एस लगाएंगे और कहाँ एस लगाएंगे, तो चलिए मैं बता देती हूँ। मैं एस एच हो, ठीक है, डबल एस हो, सी एच हो, ओके, ओ हो, या फिर एक्स हो, तो उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, ई एस। ओके, उसके लास्ट में ई एस लगेगा। जैसे ब्रश, ठीक है, तो ब्रश का क्या हो जाएगा, ब्रश का होता है बी आर यू एस एच, इसमें एस एच आ गया तो यहाँ पर ई एस लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये तो कुछ रूल्स हुए, जिसे आपको लास्ट में बस देखना है कि क्या है वर्ड के लास्ट में, जो वर्ब है उसके लास्ट में क्या है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। और ई एस लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, जो कि मैंने आपको बता दिया, ही सी इट और नेम के साथ। अब एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, जैसे अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, जैसे कि क्राई को ले लेते हैं, सी आर वाई क्राई, तो देखिए वाई है और उसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। वर्ब वोवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, वोवेल पांच होते हैं ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जितने भी लेटर्स हो गए वो कॉन्सोनेंट हो गए। तो वाई के अगर पहले कॉन्सोनेंट हो, वोवेल ना हो, ठीक है, ये वोवेल है, वोवेल ना हो, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या होता है कि वाई हट करके आई ई एस में बदल जाता है, जैसे सी आर आई ई एस। ओके, जैसे सीता रोती है तो सीता क्राइज हो जाएगा। ओके, मैं रोती हूँ तो आई क्राई होगा, ठीक है। तो सीता नेम है, इसलिए यहाँ पर ई एस लगता है, ई एस लगेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाई जो है वो वाई का आई ई एस हो जाता है। इस तरह आपको स्टडी में भी हो जाएगा, स्टडीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वाई के पहले वोवेल हो, कॉन्सोनेंट ना हो, वोवेल हो, तो वो ज्यों का त्यों केवल उसमें एस लगता है, जैसे प्ले। जैसे वाई के पहले क्या है, वोवेल है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है एस या ई एस लगाने में। यहाँ बहुत ही मिस्टेक होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ एस लगाए, कहाँ ई एस लगाए, ठीक है। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, जिसमें नहीं, नॉट का यूज़ होता है, वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। पहले हम लोग बात कर रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस की, ओके, तो अब हम बात करेंगे निगेटिव। तो डोंट और डजेंट का यूज कहाँ करेंगे, सिंपल से शब्दों में प्लूरल नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डोंट का, और सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे डजेंट का, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ ही हम एस या ई एस का भी यूज करते थे वर्ब के साथ। ओके, तो प्लूरल नाउन के साथ देख लेते कैसे यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में।
तो प्लूरल नाउन प्लस डोंट प्लस वर्ब। प्लूरल नाउन क्या है? आई वी यू दे, इसके साथ यूज करेंगे डोंट प्लस वर्ब। यही वाला चीज मैंने यहाँ लिखा है, डोंट प्लस वर्ब। ओके, अब जैसे मैं नहीं खेलती हूँ तो आई के साथ एस या एस नहीं लगता था अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसी तरह यहाँ पर भी ई एस यानी डस का यूज नहीं हुआ है। तो आई डोंट प्ले। डू नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं? डू नॉट को डोंट भी लिखते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। अब उसी तरह डजंट का यूज कहाँ करेंगे? तो सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर प्लस डजंट प्लस वर्ब निगेटिव सेंटेंस में। और सिंगुलर नाउन क्या हुआ? ही सी इट और नेम। ओके, इसके साथ यूज करेंगे डजंट वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे पहले मैंने क्या किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया, चीकू लाइक्स स्वीट्स, चीकू मिठाइयाँ पसंद करता है, ठीक है। अब चीकू डजंट लाइक स्वीट्स, अब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर डस का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, चीकू का यूज हुआ है सिंगुलर नाउन के, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पर जो एस लगता था एस या ई एस, वो यहाँ पर लग गया डू के साथ। तो चीकू डजंट, अब लाइक है तो लाइक जो है वो ओरिजिनल वर्ब जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, तो लाइक स्वीट्स। ओके, ये हो गया। अब अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है, जैसे क्या चीकू स्वीट्स पसंद करता है, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब चीकू है सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर डज का यूज होगा, ठीक है। तो डज चीकू, ओके, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ जाएगा डज चीकू लाइक स्वीट्स। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, यहाँ पर मैं प्लस क्वेश्चन मार्क लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो डज चीकू लाइक स्वीट्स, क्या चीकू स्वीट्स पसंद करता है? तो ये हो गया आपको क्वेश्चन मार्क के साथ, तो ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अगर मैं कहूँ कि तुम स्वीट्स पसंद करते हो, तो यहाँ पर होगा डज नहीं, क्योंकि यू जो है वो प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू यू लाइक स्वीट्स। ओके, तो देखिए हम उन्हें बच्चों को कैसे हम दे सकते, छोटे बच्चे हैं तो फिर उन्हें इस तरह से हमें देना होगा, ठीक है। बड़े बच्चे तो वो तो समझ ही जाएंगे। उनका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, जैसे कि इस तरह से हम अंडरलाइन द राइट वर्ड, इस तरह से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें इस तरह से लिख करके आप राइड राइट्स, आई डैश माई बाइक डेली। तो आई के साथ क्या लगेगा? प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होता है ये मैंने बताया हुआ है आपको, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है ये भी मैंने बताया है। तो आप इस तरह से पहले बता करके फिर उनका टेस्ट इस तरह से ले सकते हैं। तो आप आई डैश, अगर बच्चे जानते हैं तो आई के साथ लगाएंगे राइड, क्योंकि ई एस का यूज नहीं होता है आई वी यू और दे के साथ, ये इस तरह से टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह पेरेंट्स है तो यहाँ भी प्लूरल आ जा रहा है, तो प्लूरल आ रहा है तो ऐसे ई एस नहीं लगता है प्लूरल के साथ, तो यहाँ पर लव होगा, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रेन। अब है कैट्स, यहाँ भी प्लूरल है कैट्स है, तो कैट्स ईट्स माउस होगा या फिर ईट माउस होगा, तो ईट होगा क्योंकि कैट्स है। अब यही एस नहीं होता, कैट होता केवल, तो यहाँ पर इट्स हो जाता। ओके, उसी तरह अ पुलिसमैन, तो अ पुलिसमैन यानी एक पुलिसमैन है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स, ठीक है। इस तरह से आप बच्चों को क्या करें, छोटे बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दे सकते हैं। उसी तरह अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक तो होता है कि जब वर्ब आता है, और एक होता है जिसमें एक्सिलरी वर्ब रहता है, एक्सिलरी वर्ब यानी इज एम आर, इसे हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे और रेनबो डैश वेरी ब्यूटीफुल, तो और रेनबो है तो इज होगा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो बच्चे इस पे टिक लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। उसी तरह आउल्स है, तो आउल्स डैश लार्ज आइज, तो यहाँ हैज और हैव का भी यूज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। हैज और हैव का यहाँ पर मीनिंग हो गया पास के अर्थ में, मतलब उनके पास है। तो आउल्स हैव लार्ज आइज, यहाँ पर हैव हो जाएगा क्योंकि आउल्स है, ठीक है। उसी तरह यू है, यू आर स्टूडेंट होता है तो आर हो जाएगा। आई डैश थ्री पेट्स, मेरे पास थ्री पेट्स है, तो आई के साथ लगता है हैव, तो आई हैव थ्री पेट्स। उसी तरह सी, उसको लॉन्ग है, उसके लॉन्ग हेयर है, तो मैंने उसके पास लॉन्ग हेयर है, कहने का मतलब है उसके लॉन्ग हेयर है, तो यहाँ इज आर का यूज तो नहीं करेंगे, तो सी हैज लॉन्ग हेयर,
क्योंकि सी सिंगुलर नाउन है, इसलिए हैज का यूज होगा। तो इस तरह से आप छोटे बच्चों को इस तरह से आप बता सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। बड़े बच्चे हैं तो आप उन्हें पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए दें, एस से ईएस कहाँ लगता है उन्हें आप सेंटेंस बनाने के लिए दें इंग्लिश में, ठीक है, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दें। डब्ल्यू एच वर्ड की बात करूं, डब्ल्यू एच वर्ड जिसमें ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड क्या मीन्स जहां पर वेयर का यूज हो, वेन का यूज हो, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, कब, कहां, वाई, क्यों, तो ये सब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसका भी जो फॉर्मूला है सेम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही चलता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया था ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू एच वर्ड जब यूज होगा तो यहाँ पर आपको डब्ल्यू एच वर्ड प्लस, बस यही फॉर्मूला, इसके आगे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होता है, ये हो जाता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही फॉर्मूला रहता है, बस उसके आगे होता है डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे इसी का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ओके, आ गया। अगर मैं कहूँ कि चीकू स्वीट्स क्यों पसंद करता है, अगर तो क्यों यहाँ पर आ गया डब्ल्यू एच वर्ड, यानी इसके अनुसार ये फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। अब पहले था कि क्या चीकू स्वीट्स पसंद करता है, अब है कि चीकू स्वीट्स क्यों पसंद करता है, तो यहाँ पर हो गया वाई डज चीकू लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पर देखिए आ गया डब्ल्यू एच वर्ड, ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज, तो यहाँ पर हो गया डज, क्योंकि चीकू सिंगुलर नाउन है तो डज का यूज हुआ, प्लस सब्जेक्ट तो चीकू सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब तो लाइक हो गया वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट तो स्वीट्स हो गया ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया आपको डब्ल्यू एच वर्ड पर। आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ओके। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और चैनल मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ओके ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।